हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और यहाँ पे हम लोग भी ठीक हैं। और यहाँ पे हमारी शाम हो चुकी है तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी सो के उठ चुका है। तो यहाँ पे ये खेल रहा है, आप देख सकते हैं इसका। ये यहाँ पे अभी सामान आया ना बिग बास्केट से, मैंने सामान कुछ ग्रोसरी का है, कुछ फ्रूट्स हैं, बस ऐसे ही मंगवाया। मैंने सोचा कि चलो आज मंगवा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और कुछ कुछ सामान ख़त्म भी हो चुका था। और चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसा सामान आया है और क्या क्या आया है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। और यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले ये मंगवाया है ऑयल, सन ड्रॉप्स का, जो कि हम ये यूज़ करते हैं। और इसको साइड में रखते जाते हैं और इसके ना छिलके गिर रहे हैं। और यहाँ पे ये ना मैंने अनियन मंगवाए हैं, क्योंकि अभी प्याज, आपको पता है एक टमाटर और एक प्याज सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लगती हैं जो काम में आती हैं सबसे ज़्यादा, प्याज और टमाटर। और आप देख सकते हैं ये टमाटर ऐसे दिखा देती हूँ, टमाटर एकदम फ्रेश मिलते हैं, मतलब टमाटर सब्जी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी सब्जी मिलती है, एकदम फ्रेश एकदम सब। ये देखो देख सकते हैं, इसमें कोई भी टमाटर ऐसा नहीं है जो कि एकदम ऐसा हो पीला हो या फिर थोड़ा भी ऐसा हो, सब टमाटर एकदम एक जैसे टमाटर हैं, फ्रेश एकदम और अच्छे टमाटर हैं। टमाटर में टमाटर प्याज में सबसे ज़्यादा मंगवाया है, सबसे ज़्यादा मैंने टमाटर, क्योंकि सलाद में भी आजकल सलाद में भी टमाटर और प्याज ही चाहिए। ये भी टमाटर हम देख सकते हैं। आपको क्या करना है, हटो पीछे से, ख़राब नहीं करना इसको, वेस्ट मत करना। तो ये आई थिंक ये 2 kg होंगे, 2-3 kg होंगे, 1.5 kg का होगा कुछ ऐसे था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने मंगवाया है कद्दू पंपकिन, यहाँ पे हम लोग इसको बहुत खाते हैं, महीने में एक आध बार हो ही जाता है, 1/2 kg। ये हमारे गांव में ना अगर लेना हो तो 4-5 रुपये kg है, 2-3 रुपये kg। और यहाँ पे हम लेते हैं, ये मैंने शायद 20 रुपये का 1/2 kg मंगवाया है, कुछ ऐसे है। और यहाँ पे बेटी नहीं निकालना सब, यहाँ पे कोई बता रही हूँ, जो गांव में कोई नहीं खाता है वो यहाँ पे हम खाते हैं। गांव में तो ये कोई खाएगा नहीं तोरी की सब्ज़ी, पर खानी चाहिए, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं मंगवाती हूँ। तोरी की सब्ज़ी 80 रुपये kg है यहाँ पे, गांव में तो लोग फ्री में ही खाना पसंद करते हैं, इसको बेनिफिट बहुत है इसका। और ये है तरबूज, खरबूज क्या बोलते हैं शायद, मैं भी बोल ही दी हूँ। ये थोड़ी सी मंगवाई अजमाइन। और यहाँ पे हैंड वॉश मैंने लिक्विड मंगवाया, वो ये तो अच्छा हो गया, एक एक साथ में पाउच भी दे दिया मैंने, चलो ये तो मेरा भला हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज होता है किचन में ऐसे। तो ये मंगवाई है हमने सोयाबीन, सोयाबीन नहीं है ये, शायद 20 रुपये का कुछ ऐसे है ये इतना सोयाबीन। तो पहली बार मैंने इसको मंगवाया, लेकिन मैं ऑप्शन का ही मंगवाती हूँ, लेकिन पहली बार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं बेटा नहीं निकाल के मैं बनाऊँ कैसी है कैसी नहीं खाना में। और ये वाली टाटा टी अग्नि, देखते हैं, दिखाया तो अच्छा था इसका, दिखाया अच्छा था इसको, कैसी है इनका पत्ती। ये थोड़ा डिस्काउंट में चल रहा था तो मुझे ये 100 रुपीज़ में पड़ा है 1/2 kg, तो नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैंने इस बार आटा छीन किया है, और ये भी बास्केट का ही मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये है आटा बिग बास्केट का, इसको
पर मैंने नहीं तो मैं वो मंगवाती हूँ आशीर्वाद, लेकिन इस बार मैंने चेंज किया है। और यहाँ पर ना आप देख सकते हैं बेटी ने खाना, यहाँ पे मैंने ना प्याज के जो आते हैं ना प्याज कच्चा प्याज पत्ते के साथ में वो मंगवाया है। इसमें आलू डाल के अगर इसकी आलू टमाटर डाल के इसकी सब्जी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। अंदर में थोड़ा सा मतलब गर्म होता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ही मंगवाया मैंने। और मैंने अपने क्रीम एंड ऑनियन चिप्स ये मैंने अपने लिए मंगवाया, कभी कभार मन करता है खाने का कुछ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है इसके, ये आप देख सकते हैं। बस ये है 145 का केजी, ये कौन सा है इसके ऊपर शायद लिखा होगा, मैंने चेक करके किया था। और मैंने स्पेशली इसलिए मंगवाया है क्योंकि अभी आम का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है यहाँ पे ना, अभी आम का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। और कल भी मैंने मैंगो शेक बनाया था और अभी कल बनाऊंगी, आज तो नहीं कल बनाऊंगी, दो बार तो बन ही जाएगा इतने आम जो है, क्योंकि ऐसे आम बहुत गर्मी है तो उतना खाया नहीं जाता है। मतलब मैंगो शेक होगा तो हर कोई पी लेता है, और कल का बचा हुआ जो था वो मैंने पी लिया क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा खट्टा था, वो खट्टे आम थे, पर ये मुझे लग रहा है कि ये मीठे ही होंगे, ये खट्टे वाले तो नहीं है। स्पेशली मैंने उसके लिए ही मंगवाया है। तो बस आज का मेरा ये जो था इतना ही सामान था, और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि अभी कुछ कुछ था भी पहले का सामान, और कुछ कुछ फिर मंगवाऊंगी मैं सोच रही हूँ, अभी 4-5-6 दिन के बाद फिर मंगवाऊंगी, फिर तब तक एक बार और जो मैंगोस हैं फिर आ जाएंगे एक बार, और इसी के साथ एक बार दो बार और शेक हो जाएगा क्योंकि 15 तारीख से जहाँ बरसात शुरू हो जाती है और उसके बाद जो आम है ना वो आपको आम अच्छे आम नहीं मिलेंगे, उन्हें ख़राब हो जाते हैं, जैसे बरसात लगती है आम ख़राब हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब जैसे कीड़े जैसे पड़ जाते हैं ना वैसा हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो तब तक हम मैंगो शेक ही अच्छे से पी लेते हैं, है कि नहीं, पीना चाहिए, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, पर क्या कहूँ आजकल मैं उतना खा नहीं सकती, मतलब सर में दर्द होने लगता है और कुछ नहीं है, सर में दर्द जैसा होने लगता है ज़्यादा, एक खा लो ना तब भी ऐसे सर भारी जैसा हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं खाती हूँ शेक बना के। चलो भाई इस्तेमाल कर ही लेते हैं हम लोग कैसे तैसे करके, फैलाना नहीं, ये देखो आप इसको, ये टमाटर फैला रहा है नीचे, अच्छे लगे तेरे को, अच्छे लगे। अभी इसके हाथ भी धोने पड़ेंगे क्योंकि दवाई ववाई तो होती ही होगी ना शायद, मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो ये था गाइस हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, मैंने सोचा कि चलो आज, अभी मैंने फ़ोन ही हाथ में लिया था तब तक ये लोग आ गए, फिर मैंने यस पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। और अभी ना मैं सोची चाय बनाने जा रही थी अपने लिए, लेकिन मैं भूल ही गई चाय बनाना, तो अभी देखती हूँ मैं चाय बनाती हूँ और शाम का आज क्या बनाना है, बनाने का भी कुछ ऐसा है नहीं है। फिलहाल मैंने बोला था इसके पापा को कि मटर पनीर लेके आना आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, और दूसरा क्या है कि बहुत दिन हो गए यार वही शिमला मिर्च बैंगन ये सब खा के भिंडी बोर हो गई, दाल थोड़ा सा आज लग रहा है कि कुछ अलग होना चाहिए, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आज मटर पनीर बनाती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, उतने अच्छी तो नहीं है पर चलो कोई नहीं, जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।
फिर कह रही हूँ फिर से, और सपोर्ट कीजिए। वीडियो मैंने अपने इतने बना के रखे हैं ब्लॉग, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन लेती हूँ ना, ये मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है, तब भी ये फ़ोन मांगना शुरू कर देता है, तो क्या करूँगी फिर, इसको फ़ोन चाहिए रहता है। तो इसी के चलते मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मतलब इतने देर देर से हो रही है वीडियो, इतनी बना के रखी हूँ, सब कुछ बना के रखा हुआ, लेकिन सिर्फ क्या नहीं हो रहा है, एडिटिंग नहीं हो पा रही है। जैसे एडिटिंग के लिए बैठे वैसे ही आ जाता है, तब इसको फ़ोन चाहिए, जैसे जैसे जब कभी सोता है तो तब करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़ोन छोड़े, अगर ऐसे भी मैं अगर फिर इसको मतलब कुछ दिनों से फ़ोन छोड़ रहा है जी धीरे धीरे, लेकिन अगर नहीं छोड़ मतलब मैं ही नहीं छोड़ूंगी तो ये भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है, तो इसलिए बस यही है। और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें सारे टमाटरों की, ये देखो आप देख सकते हैं टमाटरों की इसने लाइन लगा के रख दी है। क्या कर रहे हो जी? चलिए गाइस मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय बाय गाइस।